जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव द्वारा महानगर के संभावित भीड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले संस्थान व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश महामारी COVID-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत कार्रवाई किया गया, जिसके तहत सिटी मजिस्ट्रेट ने रचित हॉस्पिटल दाऊदपुर, पल्स हॉस्पिटल छात्र संघ चौराहा, डॉक्टर आनंद बंका, डॉक्टर बेरी गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का जायजा लिया तथा मौके पर उन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि समय से पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश महामारी COVID-19 विनियमावली 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करने के लिए मेरे द्वारा कुछ हॉस्पिटल का कवर किया गया, तो कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिनका लगाई जा रही थी और जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के लिए और मास्क सैनिटाइजर के लिए उसका सुचारू रूप से पालन नहीं किया जा रहा था, अनुपालन नहीं किया जा रहा था, तो उसी के क्रम में लगभग 4 या 5 हॉस्पिटल को नोटिस दी गई है, जिसमें प्रमुखता रचित हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल, इसके अलावा 2-3 प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक जो है वहाँ पे अत्यधिक भीड़ देखने मिली, तो उनको भी नोटिस दी गई है। और नोटिस में वैसे यही पूछा गया उनसे कि आप बताएंगे आपके क्यों हुए, इसके अलावा आपने पेशेंट्स के लिए जो आपके यहाँ लोग आते हैं दिखाने उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की, और अगर उनके द्वारा प्रशासन नहीं मान जाती है तो क्यों ना उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाए, तो इसी क्रम में उनको नोटिस दी गई है। और सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से ये अपेक्षा है कि जो भी पेशेंट्स उनके आते हैं उनको अंदर तो बैठाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म से पालन करते हुए पर्याप्त दूरी पर, और साथ ही साथ जो पेशेंट्स बाहर वेट करते रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको भी वो सही से व्यवस्थित ढंग से उनको बैठना है या वेटिंग एरिया में बैठना है। इसके अलावा पार्किंग की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है कई हॉस्पिटल्स के बाहर में, तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओनर्स की जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट दिखाने आ रहे हैं उनको व्यवस्थित रूप से बैठा के उनका समुचित इलाज करवाएं, और साथ साथ जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं इससे बचने के लिए उसका भी समुचित पालन करें, इसी क्रम में इन हॉस्पिटल्स को नोटिस दी गई है।